तो भाई साहब आजकल जिंदगी में चल क्या रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। और मैं अभी अपने भाई के लापता होने के बारे में बोल रही हूँ। मेरा भाई हिमांशु नेगी है और वो नौकरी करने केदारनाथ गौरीकुंड में गया था। और केदारनाथ गौरीकुंड में 31 जुलाई को आपदा आई, तो मतलब उसका लापता है उस दिन से। प्रशासन से भी ये उम्मीद है, प्रार्थना है कि वो भी लगातार खोज रहे हैं और जल्द से जल्द उस भाई को खोजें और अन्य लोगों को भी खोजें जो लोग लापता है वहाँ से। तो जन्माष्टमी मैथान महाकौथिक का जो है इनविटेशन कार्ड भी आ चुका है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने बाइक पे, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं इसके फिर से। ये देखो लीक हो रहा है। ये देखो भैया नागराज प्रकट हुए। क्यों संक्रांत के दिन हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से एक नए ब्लॉग पे। और आज का ब्लॉग खास है क्योंकि आज है हमारे उत्तराखंडी पावन पर्व घी संक्रांत का दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को घी संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का मौसम काफ़ी मस्त हो रहा है, देखो यार। तो ऐसा कुछ मौसम हो रहा है और कल रात यहाँ पे बाघ आया था, शायद में बाघ बोलेंगे या गुलदार बोलेंगे, वो छोटा कुत्ता बगल में था उसको ले गया वो कल रात। सैड सैड, और तब से हमारा जिमी भी सदमे में है। जिमी जिमी, ये थाली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जन्माष्टमी मैथान महाकौथिक का जो है इनविटेशन कार्ड भी आ चुका है और 22 तारीख से वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। और आप लोग भी आइए मैथान क्षेत्र में और 26 तारीख को जन्माष्टमी दही हांडी प्रोग्राम के साथ समाप्त होगा। तो दोस्तों फिलहाल नाश्ता हो चुका है और निकलते हैं गैरसैंण के लिए। मुझे बाइक का काम करवाना है जो उसके आगे का शॉकर है ना, तो उनमें दिक्कत आ रही है कुछ, तो बाइक का काम करवाते हैं। और मुझे दवाई भी लेनी है, तो मैलचोरी निकलना है मुझे इसके बाद। तो मौसम ठीक ठाक हो रहा है, काफ़ी अच्छा है और ज़बरदस्त मौसम हो रहा है आजकल। तो भाई पानी की कोई समस्या नहीं है बरसात में। तो भाई साहब आजकल ज़िंदगी में चल क्या रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। तो ये देखो यार, ये आपको यहाँ पर खून खून दिख रहा होगा ना, वो छोटा कुत्ता नहीं, इसको कल रात भाग ले गया यार। सैड, प्रॉब्लम के साथ चलती है भाई ज़िंदगी, प्रॉब्लम आने भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। बाइक को हम सुपुर्द कर चुके हैं सोनू भाई के पास, अब इसके शॉकर का काम होगा पहले, है ना। कौन कौन सा काम होना इसका आज? शॉकर होगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही बाइक में, तो वो सही हो जाएंगी आज। बाकी मनोज भाई आए हैं छोड़ने के लिए यहाँ पे, इसके बाद मैं निकल रहा हूँ मैचोरी के लिए। तो फिर हम ले रहे हैं नवीन भाई की बाइक, द लग्जरी डिस्कवर, लग्जरी डिस्कवर। सबसे पहले घी संक्रांत की बधाई आपको भी। अरे अरे ओ, एक बार बधाई सूरज भाई, उनके मकान का आज तूफानी ब्लॉग बनेगा, नाप जोक हो रहा है, तूफानी ब्लॉग चले। तो आज के दिन में मिली है लग्जरी बाइक, इसमें ना हॉर्न है, ब्रेक भी धीरे आ रहे हैं। अब देखते हैं भाई, चलो इसी में निकलते हैं। पर बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, अपना भी इलाज हो जाएगा आज दवाई लेके सोते हैं। तो ये है महल चोरी का नज़ारा और ये स्टैंड है चकुटे वाला। मामा नमस्कार मामा, और सबको आपके गाइस लोगों को, आपके फ्रेंड लोगों को घी संक्रांति की ढेर ढेर शुभकामनाएं हैं, बधाइयां मेरी ओर से। इलाज चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। इनके कान में ना थोड़ा सा दिक्कत आई, कुछ चले गए इस कान में, तो हम इनका थोड़ा से बढ़िया सा जितना हमसे हो पाए प्राथमिक उपचार जो कहते हैं हम, वो करा देते हैं ना। चलो जी बढ़िया। संदीप भाई के गैरेज में, वर्कशॉप में काम चल रहा है, शौकर काम है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने बाइक पे, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं इसके फिर से। फिलहाल इसका काम तो हो चुका है आज का, बाकी हम निकलते हैं घर के लिए। फिलहाल अभी मार्केट में जो है पापड़ मिल के बीच में है, स्टैंड चेंज हुआ है,
और यहाँ पर एक बोल्ट नहीं था इसके, यहाँ पर ये वाला बोल्ट लगाया मैंने, उसके बाद वाइब्रेशन कम हो रही इंजन की, और बाकी सॉकर भरवा लिए हैं, थोड़ा लीक हो रहा है। देखो ये देखो लीक हो रहा है, छोटी सी दिक्कत आ गई भाई, एक सॉकर लीक कर रहा है उसका, सील खराब हो गई थी उसकी। ये देखो भैया नागराज प्रकट हुए क्यों संक्रांत के दिन, ये देखो भाई क्या प्यार से जा रहा है भाई, देखो लाइव प्रूफ है भाई साहब, देखो ये साफ है, ये हम है और वो सांप है, देखो ये टप गया था मूल। तो जैसे ही मैं थोड़ा आराम कर रहा था, घर वाले बोलते हैं कि यहाँ पे नाग आया हुआ था, नाग आज के दिन में बहुत सारे सांप देख दिए भाई मैंने, दो सांप तो पहले देख दिए, अभी तीसरा है आज के दिन का। गर्मी हो रही ना, इंसान को भी गर्मी हो रही है, सांप को भी गर्मी हो रही है भाई साहब, वो बेचारे भी बाहर आ रहे हैं जमीन से। शाम का सीन देखो, तो अभी मैं आया हूँ अपने पुराने कमरे में जहाँ मैं पहले रहता था, मतलब अभी रहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर आज कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मेमोरीज है मेरी। तो ये देखो, ये अपना एडसेंस पेन, एडसेंस अकाउंट का जब पेन आया था ना एडसेंस अकाउंट का, तो ये वो है, बड़ी खुशी हुई थी भाई उस दिन। बाकी ये लिस्ट है कुछ, देखो हमारे जब जब फॉलोअर बढ़े थे, जब जब सब्सक्राइबर बढ़े, तो मार्च 2023 में हमारे 4K सब्सक्राइबर हो गए थे और अभी 7K होने वाले हैं, और FB पे 12K फॉलोवर हो गए थे 23 मार्च को, है ना। तो ये मेमोरीज हैं कुछ, ये भी सब मेमोरीज है। गणेश जी भोलेनाथ, उस रूम में रहूँ मैं, उधर वाले में या इस वाले में, तो यहाँ से नज़ारा बहुत ज़बरदस्त दिखता है भाई, सुबह का शाम का। भी सुन और क्या, पता नहीं क्यों भाई, तो कल रात से सुन क्यों और क्या है जिमी भाई, कल रात को भाग गया था ना, सुन हो गया भाई साहब, सुन हो गया सुन। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट खाना खा के आ रहा हूँ, और अभी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही है हमारे यहाँ पे भी, एक लड़का जो कि परवाड़ी का है, तो वो केदारनाथ इस बार इस सीज़न में गया था, तो उसका जो है लापता है वहाँ से, बीच में एक दिन वहाँ पर आपदा जैसे हो गई थी ना, भूस्खलन हो गया था, बाढ़ वगैरह आ गई थी, उसके बाद से जो है भाई लापता है। मेरा नाम हिमानी है और ये मेरे माता पिता हैं, और मेरा गांव का नाम ग्राम पारवाड़ी निवास भराड़ीसैन है, और मैं अभी अपने भाई के लापता होने के बारे में बोल रही हूँ। मेरा भाई हिमांशु नेगी है, और वो नौकरी करने केदारनाथ गौरीकुंड में गया था, और केदारनाथ गौरीकुंड में 31 जुलाई को आपदा आई, तो मतलब उसका लापता है उस दिन से। और मेरे पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं, जिससे कि हमारा घर का गुजारा मेरे भाई से होता है, मेरा भाई कमा के लाता फिर हमारा गुजारा चलता है। और बड़ी दुखद की बात तो यह है कि मेरे भाई का अभी तक पता नहीं चला, हमने सोनप्रयाग में रिपोर्ट दर्ज भी करवाई थी, और मेरी पूरी फैमिली भी मेरे भाई को ढूंढने गए, वहाँ तक भी सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, और हमने कंट्रोल रूम में जगह जगह उसका पता करने के लिए दिया, तो हमारी कोई मदद नहीं हो पाई। मैं मीडिया वालों से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भाई के ढूंढे और मेरे भाई का पता चले, अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिल पाई। तो अब तक मिल नहीं पाया है, तो भगवान करे पहले तो सलामत हो, बाकी गुमशुदा है, अब तक कोई छानबीन भी अच्छे से नहीं हो पाई है, कहाँ है, कैसा है, करके किस हाल में है, तो भगवान से प्रार्थना तो यही है कि भाई सही सलामत हो और मिल जाए पहले, तो बाकी भगवान की इच्छा है, क्या बोल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई मिल जाए, और प्रशासन से भी ये उम्मीद है, प्रार्थना है कि वो भी लगातार खोज रहे हैं और जल्द से जल्द उस भाई को खोजें, और अन्य लोगों को भी खोजें जो लोग लापता है वहाँ से, बाकी यार भगवान की इच्छा, क्या बोल सकते हैं भाई। चलिए आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं,